हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इंफोटेनमेंट। मेरा नाम है आकांक्षा और आज की इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाली हूँ, आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बिहार के पटना के बारे में तो आप सभी को पता होगा, बट डू यू एवर नो दैट देयर इज अ प्लेस इन स्कॉटलैंड कॉल्ड एज पटना, जिसे फॉरेन पटना भी कहते हैं। बिहार की कैपिटल पटना से 1000 miles दूर स्कॉटलैंड में भी एक पटना है। वेल, मोस्ट ऑफ अस माइट नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द पटना इन स्कॉटलैंड, बट यहाँ के पटना के हर किसी को इसके इंडियन कनेक्शन के बारे में अच्छे से पता है। एंड यू विल बी प्लीजेंटली सरप्राइज टू नो कि पटना के बाद इस विलेज का नाम रखने के पीछे एक्चुअली में एक वेरी इमोशनल रीजन है। पटना विलेज अर्ली 19th सेंचुरी स्कॉटलैंड में एक स्कॉटिश सोल्जर एंड स्टेट्समैन विलियम फ्लाटन ने इसको एस्टेब्लिश किया था। एंड व्हेन ही केम टू स्कॉटलैंड ही एस्टेब्लिश्ड अ विलेज टू प्रोवाइड हाउसिंग फैसिलिटी फॉर हिज वर्कर्स ऑन द कोल फील्ड्स ऑफ हिज ई एस्टेट। सो द क्वेश्चन अराइजेज कि उन्होंने इसका नाम पटना ही क्यों रखा। एक्चुअली में फ्लाटन का जन्म बिहार के पटना में ही हुआ था, जहां उनके फादर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एज अ आर्मी ऑफिसर पोस्टेड थे। सो एज अ ट्रिब्यूट टू हिज बर्थ लैंड उन्होंने इस विलेज का नेम पटना रख दिया, जो कि ईस्ट आयरशायर में स्थित है। जैसे हमारा पटना गंगा के तट पर स्थित है, उसी प्रकार स्कॉटलैंड का पटना भी दून नदी के किनारे स्थित है एंड इट इज़ लोकेटेड 600 kilometers अवे फ्रॉम लंडन। जहाँ हमारा पटना जोर शोर और भीड़ भाड़ से भरा हुआ है, वहीं स्कॉटलैंड का पटना लगभग 3500 की पॉपुलेशन के साथ अभी भी शांत और निर्मल है। अप टिल 1964 देयर वाज अ रेलवे स्टेशन इन द टाउन, जिसे तब से ध्वस्त कर दिया गया था। रेलवे हालांकि अभी भी माल ढुलाई के लिए खुला हुआ है। यहां फुलाटन के द्वारा बनाई गई द पटना ओल्ड ब्रिज भी है। इसके अलावा पटना में वो सारी फैसिलिटीज एंड प्लेसेस है जो कि एक अच्छी तरह डेवलप्ड शहर में होता है। इसमें पटना चर्च, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, फ्यू प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, अ स्मॉल लाइब्रेरी, अ गेम्स हॉल, अ सम शॉप्स, अ केक शॉप एंड अ फुटबॉल फील्ड। आपकी नज़र में एक चमक पैदा हो सकती है कि सो कॉल्ड फॉरेन पटना के लोकल किड्स हमारे पटना शहर के बारे में सीख रहे हैं एंड देर इज अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी अमंग देम अबाउट द इंडियन पटना बिकॉज ऑफ द सेम नेम्स। लव टू गो एंड जस्ट लाइक विजिट एवरीवेयर बट आई वुड प्रोबब्ली गेट लॉस्ट बिकॉज़ द डिफरेंट साइजेस, बिकॉज़ दिस पटना इज लाइक अ विलेज एंड दैट्स लाइक अ बिग सिटी। I want to go and visit Patna in India one day just to see what it looks as compared to this part. हम उनके पटना की ओर चल रहे हैं और वहाँ पर वहाँ के बच्चों को हमारे पटना के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।